Very good morning. Today we are talking about one more important concept, that is percentage change. अब percentage change में क्या होता है कि कोई value या कोई number, कोई amount कभी increase होता है या फिर decrease होता है. जब वो increase होता है या फिर decrease होता है तब हमें ये बताना है कि percentage change कितना हुआ है उस वैल्यू में, उस अमाउंट में, उस नंबर में जो चेंजेस हुए हैं वो कितना परसेंट चेंज हुए हैं, या तो वो परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है या फिर डिक्रीज़ हुआ है. जैसे कुछ समरी मैंने रखी है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं, परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंट डिक्रीज आर मेजर्स ऑफ परसेंटेज चेंज. या परसेंटेज इंक्रीज दिखेगा आपको या परसेंटेज डिक्रीज दिखेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास अभी 1000 रुपीज़ है और वो अगर अमाउंट इंक्रीज़ होती है, दो दिन के बाद आपके पास 1200 रुपये है, 1200 रुपीज़, तो आपके पास जो अमाउंट इंक्रीज़ हुई है 200, वो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुई है प्रीवियस अमाउंट के कंपेरिजन पे, ये स्टडी हमें आज करना है. या कंसिडर कीजिए कि आपके पास पहले 800 रुपये थे, आज आपके पास 1000 रुपीज़ है, तो आपके जो अमाउंट इंक्रीज़ हुई है वो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुई है प्रीवियस वैल्यू को कंपेयर करना है हमें, और ये बताना है कि परसेंट इंक्रीज़ हुआ है या फिर डिक्रीज़ हुआ है. एग्जांपल रीड करने के बाद इजीली आपको ये अंडरस्टैंडिंग दिखेंगी कि आपका अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है या फिर डिक्रीज़ हुआ है. सिर्फ हमें इतना बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ है या फिर डिक्रीज़ कितना हुआ है. परसेंटेज चेंज इज़ यूजफुल टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड चेंजेस इन वैल्यू ओवर टाइम. किसी भी वैल्यू, किसी भी अमाउंट या फिर किसी भी नंबर का जो परसेंटेज चेंज हुआ है उसकी स्टडी हमें आज करना है. परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला यहाँ पे रखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं कि न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100. न्यू वैल्यू मतलब जो आपके पास करंट वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू का मतलब है जो आपके पास पहले वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100. इनटू 100 करना कंपलसरी है क्योंकि हमें आंसर निकालना है परसेंटेज में, तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा. हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. यहाँ पे एक एग्जांपल नंबर 1 हम पहले स्टडी करेंगे. एन वर्क्स इन अ सुपरमार्केट फॉर $10 per hour. यहाँ पे एनी काम करती है, पर आर उसे मिलते हैं $10. इफ हर पे इज इंक्रीज टू $12, देन व्हाट इज हर परसेंट इंक्रीज इन पे. अब उसे मिलने लग रहे हैं $12 per hour. जो पहले $10 मिलते थे अभी मिलते हैं $12. तो लॉजिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे कि उसका जो पे है वो इंक्रीज़ हुआ है $2 से. अब हमें ये बताना है कि उसका जो इंक्रीज़ हुआ है पेमेंट वो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है. तो न्यू वैल्यू जो यहाँ पे उसका है वो है 12, ओल्ड वैल्यू है 10. अब उस फॉर्मूले में रख के हमें निकालना है परसेंटेज चेंज. तो आप नीचे उसका देख सकते हैं सॉल्यूशन, 12 न्यू वैल्यू माइनस 10 ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई 10, दैट इज ओल्ड वैल्यू इज इक्वल टू 2/10. 2/10 अगर करेंगे हम सॉल्व तो आंसर मिलता है 0.20. इनटू 100 करेंगे हम परसेंटेज में निकालने के लिए आंसर, तो योर आंसर इज 20%. मतलब एनी का जो पेमेंट इंक्रीज हुआ है वो 20% इंक्रीज हुआ है. द परसेंट इंक्रीज इन एनी पे इज 20%. कुछ और एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है हमको, द स्टाफ एट अ कंपनी वेंट फ्रॉम 40 to 29 एम्प्लॉयज. किसी कंपनी का स्टाफ यहाँ पे हमको दिख रहा है कम होते हुए, पहले 40 एम्प्लॉयज थे अभी 29, 29 एम्प्लॉयज है. इसका मतलब ये है कि परसेंटेज डिक्रीज का आपका आंसर निकलेगा. अभी आपको फार्मूला चेंज नहीं करना है, आपको फार्मूला वही अप्लाई करना है. आपको सेम फार्मूला अप्लाई करना है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100, दैट इज न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई ओल्ड वैल्यू इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 100. अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज पहले 40 थे, 40 एम्प्लॉयज थे, अभी हमारे पास एम्प्लॉयज है 29. मतलब हमारे 11 एम्प्लॉयज कम हो गए. वॉट इज द परसेंट डिक्रीज इन स्टाफ. अब हमें बताना कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को लेके. अब सोल्यूशन में आप देख सकते हैं इजिली कि हमारा न्यू वैल्यू जो है वो 29 है और ओल्ड वैल्यू था 40.
अभी आप 29 माइनस 40 भी लिख सकते हैं, आप 40 माइनस 29 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें माइनस की साइन को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना पड़ेगा, आपको सिर्फ डिफरेंस बताना है न्यू वैल्यू का और ओल्ड वैल्यू का, सिर्फ डिफरेंस ही आपको बताना है। आपको 29 माइनस 40 माइनस 11 नहीं करना है, आपको सिर्फ न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू का सिर्फ आपको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस है उनका 11 और हमारा ओल्ड वैल्यू है 40। हमारा जो डिफरेंस है न्यू वैल्यू का और ओल्ड वैल्यू का वो है 11, 11 और ओल्ड वैल्यू हमारी 40, दैट इज़ 11/40। ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 27.5%। अब क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है तो आपका आंसर है कि देर वॉज अ 27.5% डिक्रीज इन स्टाफ। प्लीज़ रिमेंबर कि आपने 40 माइनस 29 किया या 29 माइनस 40 किया तो आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, आपको सिर्फ न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू का डिफरेंस ही बताना है, आपको यहाँ पे माइनस की साइन को अवॉइड करना है, आपको सिर्फ दोनों का डिफरेंस ही लिखना है, न्यू वैल्यू का और ओल्ड वैल्यू का डिफरेंस। कुछ और एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 3, एट अ सुपर मार्केट अ सर्टन आइटम हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 75 सेंट्स पर पाउंड टू 81 सेंट्स पर पाउंड। किसी प्रोडक्ट की कीमत जो थी, किसी प्रोडक्ट की जो कीमत थी वो थी 75 सेंट्स, अब वो इंक्रीज हो गई, उसकी कीमत हो गई 81 सेंट्स। व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द आइटम। अब उस प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ हमें ये बताना है। अब हमारी जो न्यू वैल्यू है वो है 81 और ओल्ड वैल्यू है 75। न्यू वैल्यू है हमारी 81, ओल्ड वैल्यू है 75, इसलिए हमने परसेंटेज चेंज का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपका न्यू वैल्यू है 81, ओल्ड वैल्यू है 75, डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, आपका डिफरेंस आता है 6 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, योर आंसर इज 8%। सो देर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 8% इन द कॉस्ट ऑफ द आइटम, उस प्रोडक्ट की कीमत जो है 8% बढ़ी। वी टॉक अबाउट वन मोर एग्जाम्पल इन द वीडियो। फोर फीट आर कट फ्रॉम अ 12-foot बोर्ड। एक 12-foot का जो बोर्ड है उसका हमने 4-foot मतलब 4 feet लेंथ कम कर दिया। एक 12-foot के 12-foot बोर्ड मतलब एक 12 feet का जो बोर्ड है उसको हमने 4 feet कम कर दिया, मतलब उसको हमने कर दिया अभी 8 feet का, 8 feet तो हमने उसका लेंथ कम कर दिया है 12 foot से, वो हो गया इट्स एन 8-foot बोर्ड नाउ। वो पहले 12 feet का था, अभी वो 4 feet कम होने के बाद आपका बोर्ड हुआ है 8 feet का। अब क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो है 8 और जो हमारी ओल्ड वैल्यू थी वो थी 12, आपको 12 और 8 का सिर्फ डिफरेंस लिखना है यहाँ पे। आप याद रखिए, आपको न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू का सिर्फ डिफरेंस लिखना है, आपको माइनस का टेंशन नहीं लेना है, आपको माइनस साइन अवॉइड करना है, आपको सिर्फ न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू का डिफरेंस ही लिखना है। तो 12 और 8 का डिफरेंस इज 4 और हमारा जो ओल्ड वैल्यू है वो था 12, तो योर आंसर इज 33.3%। सो देर वॉज अ 33.3% डिक्रीज इन लेंथ, तो उस बोर्ड की जो लेंथ है वो 33.3% डिक्रीज हुई है। सो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज चेंज के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।